गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हमारे सामने है बलिनो सिग्मा वेरिएंट 2023, यानी कि बलिनो का बेस वेरिएंट जो कि कॉस्ट करता है 6,61,000 रुपये हमारा एक्स शोरूम। इस वेरिएंट की भाई मारुति सुजुकी नेक्सा के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रखी है इंडिया के अंदर। भाई ये वाला वेरिएंट हमारा 18,000 हर महीने बिक जाता है। इतनी डिमांड होने के बावजूद भी भाई मारुति प्रोडक्शन को सैल्यूट है, इन्होंने इतनी सारी कार्स मैन्युफैक्चर कर रखी है कि इस कार पे वेटिंग आपकी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और इस पर आपको 10-15-20 हज़ार का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड ये कॉस्ट करती है दिल्ली के अंदर 7,50,000 रुपये की, जिसके अंदर नवरात्रि वगैरह का जो भी ऑफर चल रहा है तो उसमें आपको 20,000 का 25,000 का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है बलिनो सिग्मा 2023 के ऊपर, आज की डेट में हमें ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में एक कंक्लूजन दे दूंगा। अभी बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आप देख सकते हैं इसमें आपको नॉर्मल यहाँ पे ग्रिल मिलती है, नॉर्मल प्लास्टिक है हमारा, ग्लोव के अंदर नहीं है। नीचे भी आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिलता है और इधर आपको डमी हमारे फोग लैंप्स मिल जाते हैं। हेडलाइट की बात करें तो भाई हेडलाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लेंस मिल जाता है और इधर आपको मिलता है इंडिकेटर। इसमें आपको नॉर्मल सिंगल ही लेंस मिलता है एक लाइट में, जो इसका लो भी करता है जो इसका हाई भी करता है। फ्रंट में आपको इस कार में यही बेसिक चीज़ मिलती है, लेकिन लुक की बात करें तो भाई कार की लुक आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लगती है। स्विफ्ट से अगर हम इसको कंपेयर करें ना, स्विफ्ट हमारी 6,70,80 की ऑन रोड आ जाती है, वहीं इसका एक शोरूम 6,60 का पड़ता है, तो स्विफ्ट से तो भाई ये हमारी काफ़ी ऊपर पड़ती है। एक बार भाई हम इसका है ना आपको बोनट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है भाई हमारा इसका इंजन, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर का इंजन जो कि जनरेट करता है 84 BHP और 114 Nm का टॉर्क। अब ये वाला इंजन भाई हमारा ड्यूल जेट में आता है, पहले मारुति का ना सारे इंजन सिंगल जेट में आते थे, लेकिन अब स्विफ्ट बलिनो हर किसी चीज़ में इनका ड्यूल जेट वाला इंजन आना स्टार्ट हो गया बेस वेरिएंट से। इधर आपको इंसुलेशन मिल जाती है, आप देख सकते हैं हुड पे, हुड की बात करें तो हुड इसका काफ़ी लाइट है, तो एक हम इसको बंद कर देते हैं। अब बात करें भाई साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हमें व्हील कवर मिल जाते हैं जो कि इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, ये हमारे एसेसरीज के अंदर हमने इसमें लगवाए थे, 2100-2000 के आसपास ये आपको कॉस्ट करते हैं अगर आप इसको कंपनी से लगवाते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक मिरर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल प्लास्टिक है ये। आपको साइड इंडिकेटर भी आपको फेंडर पे देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको कोई भी स्कर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है, इधर आपको क्रोम भी नहीं मिलती है। हैंडल्स की बात करें तो नॉर्मल आपको इसमें ब्लैक हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ भी, और रूफ रेल और शार्फिन एंटीना इस वेरिएंट में हमारा नहीं आता है, और इसमें हमें टिंटेड ग्लास भी नहीं मिलते क्योंकि हमारा बेस वेरिएंट है भाई। इसमें हमें बस है ना सिर्फ बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो कि कार में बेस वेरिएंट में होते हैं। तो अब एक बार चलते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल की तरफ, बाकी आप साइड से चेक कर सकते हैं भाई कार के लुक है ना काफ़ी सही आती है। जब से बलिनो का फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी नेक्सा ने लॉन्च किया था ना, तो लुक तो काफ़ी एनहेंस हो गई थी बलिनो की पहले वाली से, तो इसकी सेल्स भाई उस कारण भी बूस्ट हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्सा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इस क्रोम की बात करें, जो हमारा क्रोम है ये अल्फा मॉडल में टॉप वेरिएंट में आता है, ये भी हमने वहाँ से एसेसरीज में ही लगवाया था। बैकलाइट के अंदर आपको नॉर्मल यहाँ पे हेलोजन्स मिलते हैं बैकलाइट में भी, इंडिकेटर में भी और स्टॉप लैंप में भी, नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। और बेस वेरिएंट के अंदर भाई सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, इसमें ना 4 पार्किंग सेंसर आते हैं आपके रिवर्स वाले, कैमरा तो हालांकि इसमें नहीं मिलता लेकिन कई कार्स में हमें सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन बलिनो के अंदर भाई हमें टोटल 4 पार्किंग सेंसर हमें इसमें मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं भाई कार के हमें एक बार इंटीरियर की तरफ। तो ये है भाई हमारा बलिनो सिग्मा वेरिएंट का ओवरऑल इंटीरियर जो कि हमारा ड्यूल टोन में आता है। इधर से बात करें तो हमारा जो पैनल है ये आपको नॉर्मल ड्यूल टोन में आता है, ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। चारों पावर विंडो भाई आपको बेस वेरिएंट में मिल जाती हैं, सेंटर लॉकिंग इसमें आपको मिल जाती है बेस वेरिएंट के अंदर, और आपको ऑटोमेटिक एसी भी मिलता है, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बाकी डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं, इसमें आप 1 लीटर की 1 बोतल रख सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। तब चलते हैं भाई कार के एक बारी इंटीरियर की तरफ। सीट्स की बात करें तो सीट्स हमें इसमें फिक्स मिलती है, जो ड्राइवर साइड सीट है वो भी हमें नॉर्मल रिक्लाइन वाली मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स इसमें हमें नहीं मिलती है। एक बारी मैं कर लेता हूँ भाई कार को पहले ऑन। कीज़ की बात करें तो कीज़ भाई इसमें हमें ऐसी मिलती है, नॉर्मल दोनों कीज़ हमारी सेंट्रल लॉक वाली मिलती है, लेकिन स्विफ्ट से तो भाई ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्विफ्ट में आपको नॉर्मल की मिलती है, उसमें हमारे रिमोट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो अब इसको मैं एक बारी करता हूँ ऑन, तो हमारी कार ऑन हो गई है, स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं भाई, इस बिल्कुल साइलेंट है, इसमें जरा सी भी आवाज़ नहीं आती, बहुत साइलेंट इंजन है भाई इस कार का। यहाँ पे आप और देख सकते हैं इसमें हमें ट्रैक्शन का स्विच मिल जाता है, इससे आप है ना इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं इस वाले स्विच से, और यहाँ पे आपको स्विच मिलता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का, ये वाला फीचर भाई काफ़ी बढ़िया रहता है, इससे ना आपकी माइलेज काफ़ी इनहेंस होती है, जब आप रेड लाइट पर रुकते तो कार अपने आप बंद हो जाएगी, और फिर जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे तो हमारी कार दोबारा ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हमें मिलता है भाई इसकी हेडलाइट लेवलर, बाकी इसमें हमें हेलोजन लाइट मिलती है, हेलोजन सेटअप मिलता है पूरा हेडलाइट के अंदर, जिसका थ्रो ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई इधर ऑटोमेटिक एसी,
स्टीरियो आपको इसमें नहीं मिलता है, स्टीयरिंग आपको इसमें नॉर्मल मिलता है डी कट वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम इंसर्ट दिया गया और लोगो मिल जाता है। तो ये चीज तो भाई इसमें ना एसेसरीज करवाने के बाद जब आप इसमें मॉडिफिकेशन करवा लेंगे आफ्टर मार्केट, तो इंटीरियर इसका बिल्कुल ही चेंज रहता है और काफी बढ़िया लगता है। तो इसका पूरा ओवरऑल इंटीरियर भाई काफी बढ़िया लगता है जो कि ड्यूल टोन के अंदर आता है। और यहाँ पे हमें जो ग्लोस में सिल्वर दे रखा है ना, ये भी काफी बढ़िया लगता है। ग्लोस में इसमें यहाँ पे ना जो इसका ऑटोमेटिक एसी का पैनल भी पूरा हमें ग्लोस ब्लैक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है भाई इसका सॉकेट 12 वोल्ट का नॉर्मल जो कि एक आगे इसमें दे रखा है, बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल गियर नॉब मिलता है इसमें और आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो आर्म रेस्ट होता है वो इस बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। ग्लोव बॉक्स एक बारी मैं आपको इस कार का दिखा देता हूँ। ग्लोव बॉक्स भाई इसका डिसेंट साइज का यहाँ पे हमें मिल जाता है, वहाँ भी आपको एक लीटर की बोतल का रखने का स्पेस मिल जाता है। सनवाइजर की बात करें तो नॉर्मल सनवाइजर इधर मिलता है, मैनुअल हमें इसका रियर व्यू मिरर मिल जाता है, यहाँ पे भी हमें नॉर्मल सनवाइजर मिलता है, इसमें टॉयलेट सीट वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है। तो अब चलते भाई कार के एक बारी हम रियर की तरफ। बाकी मीटर की बात करें तो मीटर आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट के हिसाब से मीटर कार का कितना बढ़िया, ये आपको एवरेज दिखाता है, ओडोमीटर दिखाता है, रेंज वगैरह सारी चीज़ शो करता है, तो MID भी इसमें पूरी मिलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अब चलते हैं भाई हम इसके रियर की तरफ, एक बारी रियर स्पेस चेक करते हैं। तो ये है भाई कार की रियर डोर, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको ड्यूल टोन के अंदर पूरा इसका पैनल मिल जाता है और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अब बैठते हैं भाई हम कार की एक बारी रियर सीट में। तो यहाँ पे स्पेस की बात करें तो लेग रूम आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको मिल जाता है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि इसका यहाँ से ये चीज़ इसकी काफ़ी नियर है, तो हेडरूम में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी ओवरऑल स्पेस की बात करें तो कार भाई काफ़ी बढ़िया, मतलब स्विफ्ट से तो इसको मैं रैंक बहुत ऊपर करूंगा, इसमें लेगरूम के भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। बाकी रियर में आपको कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, नॉर्मल एक 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाता है, बस यही चीज़ हमें भाई इस कार के अंदर मिलती है बेस वेरियंट के अंदर। और यहाँ पर हमें इसका जो आर्म रेस्ट होता है ना वो भी हमारा मिसिंग है। नेक्स्ट आके आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको बैग मिलता है जिस दिन आप कार की डिलीवरी लेते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइट दी गई है जो कि एक सेंटर में प्लेस की गई है, आगे इसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं मिलती है। तो एक बारी मैं आपको है ना इस कार का बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। डोर पॉकेट्स में बाकी आपको एक लीटर की बोतल रखने का स्पेस यहाँ भी दिया गया है। सीट्स कवर की बात करूँ तो सीट्स कवर आप देख सकते हैं कंपनी से जो आते हैं वो भी काफ़ी बड़े लगते हैं मुझे, इंटीरियर से पूरे मैच होते हैं। ये आपको ड्यूल टोन में सीट्स कवर मिल जाते हैं, सिल्वर और ब्लू का यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं टेक्स्चर्स हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा मटेरियल, तो ये भी काफ़ी बढ़िया सूट करते हैं इंटीरियर के साथ। बूट स्पेस की बात करूँ ना भाई मैं तो बूट स्पेस इस कार में काफ़ी बढ़िया मिलता है, पार्सल ट्रे वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती लेकिन बूट स्पेस देखो कितना बढ़िया है। स्विफ्ट से तो बहुत ज़्यादा मिलता है, ग्रैंड न्यो से भी इसमें बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से आप इसको ओपन करके इसका स्पेयर व्हील एक्सेस कर सकते हैं, उधर बाकी इसकी टूल किट पड़ी है। और जो हमारी सीट्स है ना ये भी हमारी 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये भाई हमारी कार की रियर लुक है ओवरऑल। यहाँ पे आपको इसमें डीफोगर भी मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर, जो रियर वाला हमारा पैनल है इसमें डीफोगर भी दे रखा है। तो बेस वेरिएंट भाई आज की डेट में बात करो ना तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे बलिनो का बेस वेरिएंट लगता है, क्योंकि अगर आप स्विफ्ट लेते हैं ना बेस वेरिएंट में तो आपको 6,60,000 का ऑन रोड कॉस्ट करता है, और अगर आप वहीं बलिनो लेंगे तो आपको 740-750 में ऑन रोड बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से भाई बलिनो का सेगमेंट भी i20 वाला है, स्विफ्ट से थोड़ी इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, इसकी ब्रॉडनेस भी ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो हर एक चीज़ में भाई ये स्विफ्ट को बहुत अच्छे से स्विफ्ट को ये हरा देती है। तो उस हिसाब से मुझे है ना सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और आपके ना बजट फ्रेंडली कार बहुत ज़्यादा लगी। और इसमें आप है ना कस्टमाइजेशन थोड़ी सी करवा लो, साइड मिरर्स, हैंडल और फोग लैंप वगैरह, ग्रिल वगैरह करवा लो, इसको कोई बता नहीं सकता कि आपकी कार बेस वेरिएंट है। बस आपका जो साइड में फेंडर वाला इंडिकेटर है वहाँ से पता लगता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे आइटम्स आते हैं जो कि लग जाते हैं। तो यही थी भाई आज की हमारी कंप्लीट वीडियो बलिनो सिग्मा 2023 के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।